हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टेबिलिटी यूनिट में स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट लेक्चर में तीन टाइप की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी, उसमें एक छोटा सा टॉपिक मुझसे छूट गया था, तो ये वीडियो एक शॉर्ट टाइप का वीडियो है और उसी टॉपिक से ऐड है, तो इसको जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। एक्चुअली ये आपने मशीन्स में पढ़ा होगा, पावर एंगल कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यह जो सिंक्रोनस मशीन इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार थ्रू अ रिएक्टेंस एक्स, सो द कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड इज एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट एंड आई इज गिवन बाई ई एंगल डेल्टा माइनस वी एंगल जीरो। Here I is given by this voltage minus this voltage upon this angle, this reactance X. So it's I, तो value put कर देंगे तो V E angle delta minus V angle जीरो upon J XD plus XL का whole conjugate। अब इसको हम conjugate है थोड़ा सा solve कर लें और solve करके जब हम आते हैं नीचे पे तो simplify करने पे और यहाँ पर फिर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पावर एस है, कॉम्प्लेक्स पावर एस इज डिनोटेड बाय पी प्लस जे क्यू, तो दोनों तरफ हम रियल पार्ट को इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर लेंगे, तो हमारी जो पावर की इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन विल बी गिवन एज पी इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा एंड क्यू इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ जो पी इज इक्वल टू ई वी बाई साइन डेल्टा है इस इक्वेशन में, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब यहाँ पर इस इक्वेशन में पी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन डेल्टा इज इक्वल टू वन होगा, और डेल्टा वन होगा कब, डेल्टा फॉर डेल्टा 90 डिग्री, तो डेल्टा 90 डिग्री ये मैक्सिमम होगा, तो इक्वेशन आ गई डेल्टा 90 रख के तो पी मैक्स इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स, तो ई वी बाई एक्स की जगह उसी इक्वेशन में अगर हम पी मैक्स रख दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी पी इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा, वेयर पी मैक्स इज पुल आउट पावर एंड द इक्वेशन पी इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा इज नोन एज पावर एंगल कर्व। देखिए इस कर्व को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये दिस इज पी मैक्स पॉइंट फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी कर्व पे हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर इट इज कर्व बिटवीन पावर पी एंड एंगल डेल्टा, तो द चेंज इन पावर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेल्टा, दैट मीन्स डी पी बाई डेल्टा इज डिफरेंशियल पावर, दैट इज इन पावर इंक्रीज ऑब्टेन पर डिफरेंशियल लोड एंगल, एंड दिस इज नोन एज सिंक्रोनाइजिंग पावर और इलेक्ट्रिकल स्टिफनेस ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल स्टिफनेस ऑफ मशीन। और अगर डी पी बाई डी डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी मशीन स्टेबल पोजीशन में है, डी पी बाई डी डेल्टा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, और डी पी बाई डी डेल्टा के लिए लेस देन जीरो के लिए आपकी मशीन अनस्टेबल हो जाती है। दैट मीन्स इस ग्राफ में इस रीजन के इधर स्टेबल है पॉइंट है और इस रीजन के इधर अनस्टेबल पोर्शन है। देन यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं, जैसे जनरेटर रिप्रेजेंटेड बाई इस इम्पीडेंस इन सीरीज विद नो लोड वोल्टेज एंड देन मैकेनिकल इनपुट पावर इज कॉन्स्टेंट, देन डैम्पिंग इज निगलेक्टेड, लोड एंगल वेरिएशन इज स्मॉल एंड स्पीड वेरिएशन इज नेग्लिजेबल। इन द सेम वे ट्रांजियंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन कभी आता है, पूछा जाता है कि वाट आर द डिफरेंट एजम्पशन इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, या वाट आर द डिफरेंट एजम्पशन इन ट्रांजियंट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, तो इसमें सीधे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे सिस्टम रेजिस्टेंस निकलेट एज कम्पेयर टू रिएक्टेंस मशीन है, सिलिंड्रिकल रोटर मीन्स सिस्टम में भी रिड्यूस टू इक्विवेलेंट, ईच मशीन इज एग्जम्प्ट टू सप्लाइंग फाइनाइट बस। तो ये इतना है टोटल मेन मुझे इस लेक्चर में बस यही पावर एंगल कर्व आपको बताना था, ये मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया और ये छूट गया था टॉपिक, तो ये पावर एंगल कर्व बेसिक है और कर्व कैसे ड्रॉ होता है ये मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। तो ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो था एंड तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू।